औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर। ढीबरा के वन विशुनपुर नहर के समीप कुख्यात नक्सली को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद समादेष्टा 29वीं वाहिनी एवं सशस्त्र बल के निर्देश में भलवाही कैंप के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर चले छापामारी अभियान के तहत पुलिस बल ने एक कुख्यात नक्सली अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। गिरफ्तार नक्सली की पहचान ढीबरा थाना क्षेत्र के छुछिया गांव निवासी युगल साह उर्फ जमींदार साह उर्फ कैलाश जी उर्फ भूपेंद्र जी के रूप में की गई है। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक कातेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित पुलिस कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली ने अपने बयान में बताया है कि वह 2019 से नक्सली संगठन में सक्रिय है एवं औरंगाबाद जिले के मदनपुर अम्बा ढीबरा देव गया जिला तथा झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए नक्सली अपराध में शामिल रहा है। गिरफ्तार नक्सली विनय यादव उर्फ कमल जी उर्फ किसलय जी उर्फ मुराद जी उर्फ गुरु जी के गिरफ्तारी के उपरांत वह संगठन को मजबूत करने में सक्रिय था। इतना ही नहीं, वह वर्ष 2015 से नक्सली संगठन का कौलेश्वरी जोन का जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था। एसपी ने बताया कि हाल के ही दिनों में नक्सलियों की गिरफ्तारी एवं उनके हथियारों की बरामदगी होने से संगठन का मनोबल काफी गिरा है और सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सली संगठनों के खात्मे के लिए लगातार जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में छापेमारी अभियान जारी है। एसपी ने बताया कि वह अभियान तब तक जारी रहेगी जब तक जंगली क्षेत्रों को नक्सल मुक्त नहीं कर दिया जाए। गिरफ्तार नक्सली के ऊपर मदनपुर थाना में 5, देव थाना में 2, ढीबरा थाना में 6, अम्बा थाना में 1 मामला दर्ज है। इसके अलावे वह गया जिले के बांके बाजार एवं आमस थाना सहित कई थाना में 18 नक्सली कांडों का अभियुक्त रहा है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2016 में ढीबरा थाना में हरिला नाला के पास सुनियोजित तरीके से अभियान से लौट रहे सुरक्षा बलों पर आईडी ब्लास्ट करने का अभियुक्त रहा है और उस दौरान नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में चार नक्सलियों की मौत हुई थी। कई अत्याधुनिक शस्त्र एवं विस्फोटक बरामद किए गए थे। एसपी ने बताया कि इसका आपराधिक इतिहास और भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। बाइट पुलिस अधीक्षक कातेश कुमार मिश्र।